फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वीडियो नंबर 2, ओवरऑल वीडियो नंबर 53 है ये। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। लैंग्वेज रहेगी हिंदी। हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 2, ओवरऑल वीडियो नंबर 53 की। किस पंचवर्षीय योजना में प्रदूषण संरक्षण हेतु कानून पारित किया गया था? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रदूषण संरक्षण हेतु कानून पारित किया गया था? तो ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत पारित किया गया था प्रदूषण संरक्षण कानून। और ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये 1980 से 1985 के बीच में रही। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक थी, और अभी हाल फिलहाल में जो है 12वीं योजना चल रही है 2012 से 2017 तक। मेनली तो हमें ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो तो यही है कि प्रदूषण संरक्षण कानून पारित हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना में। जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि 1980 से 1985 तक रही थी ये छठी योजना। पहली योजना 1951 से 1956 तक, और अभी जो चल रही है 12वीं योजना चल रही है 2012 से 2017 तक। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो पैदा होता है पौधों को कहते हैं जीरोफाइट्स। उन पौधों को कहते हैं जीरोफाइट्स। पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षक नीति की स्थापना कब हुई? पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षक नीति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में हुई थी पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षक नीति की स्थापना 1992 में। भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो ये जो है ऑप्शन 3 सफ़र एयर नाम का एप्लीकेशन शुरू की है मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिए, सफ़र एयर। डोडो किस श्रेणी का पक्षी है? डोडो किस श्रेणी का पक्षी है? तो डोडो जो है वो एक विलुप्त हो चुका पक्षी है, विलुप्त हो चुका पक्षी है। भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो है इन तीनों ऑप्शन मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से और चावल के छिलके से, सभी से प्राप्त किया जा सकता है बायोमास भारत में। वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थापित किया गया था? वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ पर भारतीय वन जीव संस्थान स्थापित किया गया था? तो ये जो है नाम था इसका WII देहरादून में इसको स्थापित किया गया था 1982 में इसको स्थापित किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII मतलब कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो है ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था 1982 में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1916 में, 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये वो स्लाइड है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वीडियो आप देखें। तो जल्दी जल्दी इसको दिखा देता हूँ मैं आपका। हरियाणा GK के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ये नंबर रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो रहेंगी। DSSB के लिए बाकी वीडियोज़ रहेंगी, जनरल DSSB या ऑल इंडिया GK की रहेगी। एनवायरनमेंट स्टडीज़ की ये जो है दूसरी वीडियो है, 52 और 53 दो वीडियो आ चुकी हैं। कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? तो ये जो है एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसकी गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस तीनों रूप में उपलब्ध है?
निम्नलिखित में से पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस तीनों रूप में उपलब्ध है? तो ये जो है हाइड्रोस्फेयर में उपलब्ध है, पानी तीनों रूप में, गैस, तरल और ठोस रूप में। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा शीतल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा शीतल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? आप बताइए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम में सबसे सबसे ज़्यादा कौन सा है शीतल मंडल में? तो वो है ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय के क्वेश्चन जो हैं बार बार आते हैं, कि जैसे कि अभी पहले पिछले क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें भी यही है। तो आप मुख्यालय तो ज़रूर याद कर लें कि कौन कहाँ कहाँ पे है मुख्यालय और स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है कोलकाता में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो जो है एक्वेरियम, जहाँ पे मछली रखी जाती हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े होटल्स में भी और लोग घरों में भी एक्वेरियम रखते हैं, आर्टिफिशियल आता है, तो ये जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। कौन सा मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है? तो ये जो है भूमि जो है मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मेधा पाटकर का संबंध किससे है? मेधा पाटकर का संबंध किससे है? तो मेधा पाटकर का संबंध जो है वो नर्मदा आंदोलन से है। नर्मदा आंदोलन का नारा था कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, जो सरदार सरोवर बांध जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, वो और कुछ और छोटे बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाए जाने थे, जिसकी वजह से आदिवासी लोग बेघर हो जाते हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिलना था, उसको लेके जो है नर्मदा आंदोलन किया गया था। मेधा पाटकर इनका इसमें विशेष सहयोग रहा था। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो द्वीप जो है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तालाब, झील और डेल्टा तीनों में ग्रोथ होती है, लेकिन जीवों की ग्रोथ होती है, लेकिन द्वीप जो है लैंड है, तो वो जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो जो है सूरज की रोशनी अजैविक, जैविक नहीं है, ये एक अजैविक घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो उत्पादक के रूप में घास को जाना जाता है, उत्पादक के रूप में। इन तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से घास जो है उत्पादक के रूप। ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पाइस। डिपोर झील किस राज्य में है? डिपोर झील भारत के किस राज्य में है? तो डिपोर झील जो है आसाम राज्य में है, आसाम राज्य में है डिपोर झील। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नागोया प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है। ये है प्रोटोकॉल, जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। ये जो है 12 अक्टूबर 2014 से इसको लागू किया गया था। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान। पिचावरम सदाबहार वन किस राज्य में है? पिचावरम वरम सदाबहार वन किस राज्य में है? तो ये जो है तमिलनाडु में है पिचावरम सदाबहार वन। बाली शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बाली शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो बाली का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में हुआ था। ये जो है बाली जो है इंडोनेशिया में पड़ता है, और आयोजित जो है ये जो बाली का शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया था, ये जो था जलवायु सम्मेलन था, ये जो है जलवायु सम्मेलन था। दोस्तों मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए,
कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई कमी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको मॉडिफिकेशन कर पाऊँ। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।